धूम 4 में हुई दो नई एक्ट्रेस की एंट्री, जानिए कौन लड़ाएगा रणबीर कपूर से इश्क। यशराज फिल्म की धूम फ्रेंचाइज की चौथी किस्त बनने जा रही है, इसको लेकर पहले ही अपडेट्स आ चुके हैं। इसके साथ ही साथ ये भी बताया जा चुका है कि धूम 4 में इस बार पूरी कास्ट बदल दी जाएगी। रणबीर कपूर इस फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। अब जाकर फिल्म में एक्ट्रेस को लेकर अपडेट्स आए हैं। धूम जो कि साल 2004 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म में मुख्य भूमिका में जॉन अब्राहम और ईशा देओल नजर आए, तो वही इसके बाद धूम 2 में साल 2006 में रिलीज हुई, जिसमें ऋतिक और ऐश्वर्या लीड रोल में थी। इसके बाद धूम 3 आई, इसमें आमिर और कटरीना कैफ हमें लीड रोल में देखने को मिले। अब जाकर धूम 4 आने वाली है, जिसमें रणबीर कपूर मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। तो वही कुछ दिन पहले ये खबरें आई थी कि धूम में रणबीर कपूर के ऑपोजिट श्रद्धा कपूर नजर आएंगी। लेकिन दोस्तों, अब जाकर धूम 4 में दो और एक्ट्रेस की एंट्री हो चुकी है, जिसमें एक कियारा आडवाणी है तो वही दूसरी शर्वरी वाघ है। ये दोनों एक्ट्रेस यशराज फिल्म की स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा हैं। शर्वरी वाघ आलिया भट्ट के साथ अल्फा में नजर आएंगे और कियारा आडवाणी वॉर 2 में ऋतिक के ऑपोजिट हमें देखने के लिए मिलने वाली है। धूम 4 में तीन एक्ट्रेस तो होंगी, क्योंकि अभी तक हर एक पार्ट में तीन एक्टर्स और तीन एक्ट्रेस रहे हैं, लेकिन रणबीर कपूर के ऑपोजिट कौन नजर आएगा इस पर कंफर्मेशन नहीं आई है। इसके साथ ही निर्माता अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा की जगह नए एक्टर्स को कास्ट करेंगे। इस फिल्म का डायरेक्शन आयान मुखर्जी कर रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। यशराज फिल्म्स द्वारा धूम फ्रेंचाइज को रीबूट किया जा रहा है और पहला ड्राफ्ट आदित्य चोपड़ा और विजय कृष्ण आचार्य द्वारा लॉक किया गया है। निर्माताओं ने फ्रेंचाइज को रीबूट किया और मुख्य भूमिका निभाने के लिए रणबीर कपूर को चुना है। वही खबरें ये आ रही है कि धूम 4 एक नई फ्रेंचाइज की शुरुआत होगी, तो वही रणबीर कपूर की फिल्म धूम 4 अगले साल के अंत तक फ्लोर्स पर जाएगी और साल 2025 तक जब इस फिल्म की शूटिंग शुरू होगी तब तक हमें साल 2026 तक ये फिल्म देखने के लिए मिल सकती है। अब दोस्तों, सभी को बेसब्री से इंतजार है। अभी हालिया में रणबीर कपूर के नए लुक्स भी सामने आए थे, जिसको लेकर लोगों के दावे ये रहे थे कि रणबीर कपूर ने ये नया लुक जो है वो अपनी फिल्म धूम 4 के लिए लिया है। खैर दोस्तों, देखना ये होगा कि धूम 4 को लेकर ये जो सभी अपडेट्स आ रही हैं वो सच भी हैं या नहीं, क्योंकि अभी तक मेकर्स की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसको लेकर ये नहीं है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाए जा रहे हैं और सिर्फ बॉलीवुड की गलियारों से खबरें निकल कर आ रही हैं। खैर दोस्तों, आपको इस सबको लेकर अब क्या कहना है, आपकी क्या राय है, अपनी राय आप कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।